अस्सलाम वालेकुम इमाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। फोर्थ ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया, एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट को $3,000 की टिकट्स बुक की, ट्रेन की ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसी की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना आए, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है, एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट, ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट है। आप, मैं एक बाय एक सबसे आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारे शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई, आप बताएं, आपको पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से क्या रिक्वेस्ट आई है? उन्होंने आपको क्या कहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आई उन्होंने। अच्छा, एम्बेसी ने बिल्कुल रब्ता नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, तो आपके जो हमारे एम्बेसडर हैं नूर खलल साहब, उन्होंने क्या कहा है कि इवैक्यूएशन कब होगी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे किसी बात का। अच्छा, आपने ये देख लिया, ये दो हमारी बहने भी है, ये भी इधर स्टडी कर रही हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि क्या, कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमसे बेहतर तो इंडियन है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को, पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है, इधर बेखनों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पर अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़, मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप, कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग भी यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा। ये हमारे दोस्त मनान साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुरेज भाई। मनान भाई, क्या पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से, आप लोग सुबह से इधर बैठे हुए हैं, खाया भी कुछ?